तो ये था हमारा शक्ति इंटरनेशनल होटल, जिसकी जगन्नाथ टेम्पल से 2 किलोमीटर की दूरी थी, और यहाँ से आप सीधा देख रहे हो, यहाँ से कम 500 मीटर की दूरी पे हमारा ब्लू फ्लैग बीच था। तो आज हम इस होटल का रिव्यू करने वाले हैं। जैसे ही आप होटल के एंट्रेंस पे जाते हो तो ये एक सुंदर सा साइड में गार्डन आता है जो मैं दिखा नहीं पाई। तो ये अंकल खड़े थे, गेट कीपर अंकल, जब भी आप जाओगे तो ये बहुत ही प्यार से आपके लिए हमेशा गेट खोलते हैं, और गेट खोलते ही आपको मिलती है ठंडी ठंडी वेलकम ड्रिंक, और इनकी वेलकम ड्रिंक में आम फरमा था जो बहुत ही टेस्टी था। और यहाँ पे साइड में हमारा रेस्टोरेंट था जहाँ पे आप ऑर्डर करके खा सकते हो, ब्रेकफास्ट बुफे आपको फ्री मिलेगा अगर आपके रूम चार्जेस में इंक्लूड है। अच्छा, तो ये साइड में थी लिफ्ट, और लिफ्ट के जस्ट सामने थी स्टेयर्स। हेल्थ कॉन्शियस हो रही हूँ इसलिए स्टेयर्स यूज़ कर रही हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी टक 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 करके ऊपर जाती हूँ। मेरा जो रूम था वो फर्स्ट फ्लोर पे था, और करीबन इस होटल में 40 या 60 रूम्स हैं। और फिर ये होटल लिटरली बहुत क्लीन था, आप देख ही रहे हो वीडियो में। फिर यहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड पे भी कॉरिडोर था और राइट साइड पे भी कॉरिडोर था, और मेरा जो रूम था ना वो लिफ्ट के बिल्कुल सामने वाला रूम था, तो मेरे लिए तो थोड़ी हेल्पी थी। अच्छा, फिर उसके बाद अब मैं आपको कराती हूँ अपना रूम टूर। तो जैसे ही मेरे रूम का दरवाज़ा खुलता है तो एक विशाल काय रूम मेरे सामने आता है। ये रूम सच्ची में बहुत साफ़ सुथरा मिला था, मतलब हर चीज़ सैनिटाइज थी यहाँ पे। ये मेरे दोनों जूनियर वेंडरर्स आराम कर रहे हैं बिकॉज दे वर वेरी टायर्ड ऑन दैट डे। अब जो ये सामने आप सोफ़ा देख रहे हो ना, ये सोफ़ा कम बेड था, इस पर एक बंदा आराम से सो सकता है, तो हमने पूरे रूम में अपना सामान फैला दिया था, यार बहुत मैस हो जाता है। खैर, यहाँ पे ये इस छोटी सी अलमारी में था फ्रिज जिसमें आप अपना सामान रख सकते हो, और ये टी कॉफ़ी पाउच और मिल्क पाउच ये सारे मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। मेरे सामने महाप्रसाद रखा हुआ था। रूम के एंट्रेंस पे ही ना आपको एक अलमीरा मिल जाती है सामने देखो, और उसके सामने एक ड्रेसिंग एरिया था बड़ा अच्छा सा। ठीक है, अब हम करते हैं वॉशरूम टूर। वॉशरूम थोड़ा सा छोटा था, पर यहाँ पे बेडिंग एरिया और हगिंग एरिया दोनों अलग अलग थे, तो मुझे ऐसा ही पसंद है, तो वॉशरूम भी अच्छा था।